चुकी है F5 के बनी ब्लाइंड के ट्यूब बॉग सारे ही यहां पर हो जाएंगे फिनिश ऑफ लेवल गॉड अकेले बचेंगे। और टीम सोल की बात यहां पर की गई है तो वो एडिशनल फिनिश था जो वाइपर ने निकाला। मेरे ख्याल से फिर से एक और हमें देखने को मिल सकता है एंटिटी वर्सेस टीम सोल, क्योंकि उनके जस्ट पास में ही नजर आ रहे हैं। शायद इसका अंदाजा टीम एंटिटी को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा मुझे जो नजर आए। देखिए और यहाँ पर इसी भी चौड़े थे वहां पर सोल वाइपर को करेंगे नॉकआउट और हेवी को जिसका इंतजार कर रहे थे वो फाइनली होता है। और एग्रेशन वो साफ झलक नजर आ रहा है जोनाथन के स्प्रे से, वो चाहते हैं कि जितना जैसी नॉकआउट करें इंस्टेंट फिनिश ऑफ भी करें यहाँ पर टीम सोल को। बिल्कुल यहाँ पर अब आई थिंक जो पिछले मैच के अंदर हुआ था उसका आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्कोर लेवल करने का एक एफर्ट रहेगा एंटिटी की तरफ से भी। पहला मुकाबला एंटिटी और सोल का सोल के नाम गया था, अभी पहला किल जो है पहला जो फिनिश है वो एंटिटी के नाम गया है। आउट नंबर हो चुकी है सोल की टीम, वाइपर अभी के लिए यहाँ पर नहीं मौजूद है बट मॉर्टल का एक्सपीरियंस है, रेगल्टॉस का एग्रेशन भी हमें देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कि यहाँ से अब किस लेवल की फाइट हमें देखने को मिलने वाली है। क्लच गॉड पीछे से एरिया स्कॉर्ट पाते रहे, रेगल्टॉस ने यहाँ पर स्पॉट कर लिया जाने अपने मिड रेंज के स्पेस के लिए और एक बार फिर से यहां पर बीजीएमआई नियो को भी नॉक कर दिया। रेगल टॉस यू ब्यूटी दैट रनिंग स्प्रे ऑन दैट बगी और साथ में नियो को उस बगी से उतरकर नॉक हो जाना, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस फाइट के अंदर। रेगल टॉस पिछले मैच के अंदर भी 1v3 कर गए थे बट इस बार रेगा को कर दिया गया है नॉक। जोनाथन यहां पर गाड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए, बारी आ जाएगी अब टीम सोल के अमन की। प्रोन डाउन हो चुके हैं, चाहते हैं कि इनकी पोजीशन जो है वो रिवील ना हो। जीगॉड को ये स्पॉट कर चुके हैं जो कि नॉकआउट है, क्या जाते जाते ये किल सिक्योर करने की कोशिश है। आई थिंक यस आगे बढ़ रहे हैं बट नहीं, टीम टीएसएम एंटिटी आपको ये अलाउ नहीं करेगी। अब बारी आ जाती है टीम सोल से मॉर्टल की जो ट्रिपल स्टोरी में अकेले है। क्लच गॉड का आप यू नो नजर देखें पूरे तरीके से, इनको ये इंफॉर्मेशन है। ओके जोनाथन पैन लेके यहां पर आ चुके हैं, अमन को यहां पर थोड़ा सा ग्रसे तरीके से फिनिश ऑफ किया गया है। अब सभी को रिवाइवल चाहिए, क्या मॉर्टल यहां पर आके पार्टिसिपेट करेंगे या फिर स्पाइट को डिसएंगेज करने वाले हैं। बट वो जो सिनेरियो हमने देखा था वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये एग्रेशन अभी भी मुझे देखने को मिलता हुआ। बट अभी के लिए जिम्मेदारी यहाँ पर अब मॉर्टल के ऊपर है, क्या वो अकेले दम पे क्या क्लच करके दिखा सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं शायद जब अमन आगे बढ़े थे, देखिए फिनिश ऑफ के लिए बढ़े थे बट शायद मेरे ख्याल से वहां पर ये चीज भूल गए थे कि जोनाथन का ऑलरेडी फ्लैंक आ चुका है और उस फ्लैंक से बचना बहुत जरूरी था, मतलब उस फ्लैंक को मद्देनजर रख के चलना पड़ता था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट हैविंग एनी कैजुअलिटी टीएसएम यानी टीम एक्सटीएसएम यानी एनटीटी की टीम सर्वाइव करती हुई एंड टीम सोल अब लेट्स सी कितना देर सर्वाइव करते हैं मॉर्टल, होपफुली एक बेस्ट वहां पर अपनी टीम के लिए पोजीशन पॉइंट निकाल सके। बट वो मेरे ख्याल से मॉर्टल को यहां पर 2 से ज्यादा किल्स मिल चुके हैं, ये रैपर बन सकते हैं, इनके हाथ में एक रैप करने लायक गन है बट उससे पहले ग्रेनेड जाएगा, क्या ऑन पॉइंट जाएगा। लग रहा है जैसे एक ओपनिंग तो यहां पर इस ग्रेनेड से निकल सकती है, गया तो है ये ग्रेनेड, क्या ओपनिंग निकली है। किल फीड यहां पर अब मैं देख नहीं पा रहा हूं बट जरूर से थ्रोएबल्स का बहुत अच्छा यूज करते हुए सोल मॉर्टल आपको मिलेंगे। अच्छा दो LMR यूज कर रहे हैं, DP भी यूज कर रहे हैं, M24 भी यूज, M249 भी यूज कर रहे हैं, तो खतरनाक यहां पर मैं कहूंगा गन का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी के हाथ में आ चुका है। एंड क्या वो जो टीपीपी एंगल है छोटा सा इस रिज का उसको एट इट्स बेस्ट यूज कर सके, प्लान पूरा सेट है। लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी इंप्लीमेंटेड। हाइड्रोवेशन कमिंग आउट ऑफ नोवेयर बट बॉट नॉकआउट जरूर से कर देंगे बट न्यूक्लिया का कवर फायर आता हुआ द स्मार्ट्स रन फॉर टीम सोल बट अ वेरी गुड शॉट कैमियो कमिंग अप फ्रॉम टीम सोल मॉडल।